लोगो बैक पेन और सायटिक का ये कॉमन कंडीशन है जो 80% लोगों को अफेक्ट करती है उनके लाइफ टाइम में। कभी ना कभी लो बैक पेन या सायटिका की तकलीफ होती ही है और कई बार बैक पेन से इसकी शुरुआत होती है। दोनों पैर में या एक पैर में दर्द शुरू होता है, मेनली द सायटिक नर्व इज अफेक्टेड फॉर ईदर वन लेग और बोथ द लेग्स। इसे आयुर्वेदा में गृद्रसी कहा है और इसके लिए कई सारे मेडिकेशंस, कॉम्बिनेशंस और प्रोसीजर्स बताए गए हैं जो गृद्रसी को जड़ से खत्म करने में, जड़ से ट्रीट करने में मदद करती है। ये मैनेजेबल नहीं है बट इट इज ट्रीटेबल एंड इट इज ट्रीटेड राइट फ्रॉम इट्स रूट कॉज। सो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और हम आपको कई सारे मेडिकेशंस, प्रोसीजर्स और होम रेमेडीज की जानकारी देंगे ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन, आपको दर्द या इन्फ्लेमेशन, वेदर इट्स लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सायटिका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कुछ हद तक आपको रिलीफ जरूर जरूर मिल सकता है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि आप इस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। सो गृद्रसी या सायटिका ये क्या है? इट इज वन अमंग्स द 80 टाइप्स ऑफ वात इम्बैलेंस डिसऑर्डर्स। कई बार हम सुनते हैं वात के वजह से हुआ है, तो वात क्या है? वात यानी दैट विच स्प्रेड्स क्विकली, जो इमीडिएटली स्प्रेड होता है। हवा कैसी स्प्रेड होती है, इसे कहे हैं वात। सो आयुर्वेदा के हिसाब से, एज पर आयुर्वेदा, जहां कहीं भी दर्द है वहां वात मौजूद होता है, वहां वात बड़ा होता है, वहां वात लोकलाइज होता है, अक्यूमुलेट होता है। और इस वात को अगर हम कम करें या बाहर निकालें, वी मैनेज दिस वात प्रॉपरली, अगर वात बैलेंस हो सके तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। सभी रोगों का एक कारण वात भी होता है। जहां कहीं भी पेन है वहां वात मौजूद होता है। तो इसका मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है वात। सो ऐसे कई कारणों के वजह से वात बढ़ता है, जैसे दही का बहुत ज्यादा सेवन करना, बहुत ज्यादा रूक्ष आहार लेना, रात को जागना, दिन में सोना या बहुत लंबे समय तक गाड़ी चलाना, ऐसे कई रीजंस के वजह से वात बढ़ सकता है। सायटिका के बारे में हमने ऐसा नोटिस किया है कि जो पेशेंट्स चाबी या वॉलेट उनके पीछे के पॉकेट में रखते हैं उनमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एरिया जो है अफेक्ट होता है और सायटिक नर्व कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है और ये सालों साल तक चलता है। और बाद में पेशेंट कंप्लेन करता है कि उन्हें लोअर बैक पेन या पेन पीछे के पैरों के पीछे के तरफ से शुरू होता है, बहुत दर्द करता है। और रेडिएटिंग पेन यानी चुभने वाला पेन ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये जो है वो सायटिका ही है। सो ये था पूरा जानकारी सायटिका के बारे में। आयुर्वेदा के हिसाब से, एज पर आयुर्वेदा, दो प्रकार के सायटिका होते हैं। एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी प्रकृति के हिसाब से और आपकी कंप्लेन्स को जान के उन्हें आयुर्वेदिक डॉक्टर को पता चलता है कि ये कौन से टाइप का सायटिका है, क्या ये वातज गृद्रसी है या फिर ये वात कफज गृद्रसी है। इसका सही निदान करके ही उत्तम रिजल्ट्स, एक्सेलेंट रिजल्ट्स आर अचीव व्हेन इट कम्स टू सायटिका। सो इसके पहले हम बात करते हैं दवाइयों के बारे में या होम रेमेडीज के बारे में, जानते हैं कि इसके क्या क्या प्रोसीजर है जो पेशेंट्स को कुछ ही मिनट्स में रिलीफ देने का काम करते हैं। सबसे पहला है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण सिरावेद से यानी ब्लड लेटिंग से या फिर जलों का उपचरण यानी लीच थेरेपी से बेस्ट रिजल्ट है। कुछ ही मिनटों में पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है और कई पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि एक ही बार रक्तमोक्षण के बाद पेशेंट को फिर से दर्द नहीं होता। कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है। इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त, ये भी एक कारण है वात रोगों का। अशुद्ध रक्त और बढ़ा हुआ वात दो कारण है जो रक्तमोक्षण से बहुत हद तक मैनेज किया जा सकता है। सो फर्स्ट वन रक्तमोक्षण, दूसरा है अग्निकर्म यानी कॉटरी। एक मेटेलिक रॉड का चक्का दिया जाता है जहां पर भी पेन मौजूद होता है। ये एक बेस्ट ट्रीटमेंट है सायटिका के लिए जो सिर्फ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही करते हैं। फिर है बस्ती या फिर कटी बस्ती या फिर पत्र पोटली पिंडस वे, ये सारे प्रोसीजर्स है जो कुछ ही मिनट्स में पेशेंट्स को इससे रिजल्ट मिलता है। हम सभी को जानना है कि इसके क्या दवाइयां हैं। सो कई क्लासिकल दवाइयां जो क्लासिकल टेक्स्ट ग्रंथों में बताए गए हैं और कई प्रोप्राइटरी मेडिसिन जिसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं सायटिका के बारे में। एक मेडिसिन है टैबलेट ऑर्थोसी मेड, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। कई वात शामक द्रव्य जैसे कि हरितकी, विविधकी, अजमोद आदि, एरंडमोल इसमें मौजूद है। और बेस्ट पार्ट यह है कि इसमें दशमूलकवात की भावना दी गई है इन सारे हर्ब्स को जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। दशमूलकवात या दशमूल आपने सुना होगा, 10 रूट्स का ये कॉम्बिनेशन है, 10 मूल का ये कॉम्बिनेशन है।
यानी बिल्व अग्निमांद शौनक पाटला गोक्षूर गंबारी शालीपर्णी पृष्णिपर्णी बृहती कंटकर, यह है 10 मूल और इसे कहते हैं दशमूल। और इसके बेस्ट रिजल्ट्स है पेन इन्फ्लेमेशन कॉन्स्टिपेशन को पेशेंट को रिलीव करने में। सो ये था ऑर्थोसीमेड के बारे में, जिसका इंटेक करना एडवाइजेबल होता है 2 टैबलेट्स दिन में 2 या 3 बार गर्म या सादे पानी के साथ। और साथ ही साथ एक्सटर्नल पर्पस के लिए ऑर्थोसी लिनमेंट, जो कि एक्सटर्नली दिन में 2 या 3 बार लगाना एडवाइस किया जाता है। साथ ही साथ कई क्लासिकल दवाइयां जैसे त्रयोदशांग गुगुर, विष्टिंदुक वटी, योगराज गुगुर, अस्थि मज्जा पाचक चूर्ण, ऐसे कई सारे मेडिकेशन एडवाइस किए जाते हैं। ये कई ब्रांड्स में अवेलेबल है, ग्रंथोक्त मेडिसिन या क्लासिकल मेडिसिन किसी भी ब्रांड का जो भी आपके नजदीक अवेलेबल है आप ले सकते हैं। बट इट इज बेस्ट एडवाइस कि आप सायटिका या वात रोग की ट्रीटमेंट जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर ही लो, ताकि आपको बेस्ट और आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिल सके। क्योंकि एक दवाई से या कोई दवा सुन के ट्रीटमेंट लेना, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट लेना ही उसे कहते हैं ट्रीटमेंट। सो दैट इज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मूविंग फर्दर, होम रेमेडी क्या है? सो एक कॉम्बिनेशन है, इसके 2 इंग्रेडिएंट्स है, एक है हरिदकी चूर्ण और एक है एरंड तेल। जनरली डाबर कंपनी का एरंड तेल कहते हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली इसकी टेस्ट अच्छी है, बेटर है और बहुत स्मूथ है। सो 5 ml एरंड तेल और 5 ग्राम हरिदकी चूर्ण को मिक्स करना है और दिन में एक बार, प्रेफरेबली रात को सोने से पहले इसे कंज्यूम करना है। आप शुरुआत कर सकते हैं 3 ग्राम के डोज से, यानी 3 ml ऑफ कैस्टर ऑयल एंड 3 ग्राम्स ऑफ हरिदकी चूर्ण मिक्स करके आपको रात को सोने से पहले इसको लेना है। कुछ हद तक आपको कॉन्स्टिपेशन और दर्द इन्फ्लेमेशन से आपको राहत मिलेगी, रिलीफ आपको मिल सकता है, रिलीफ आपको मिलेगा। सो ये थी पूरी जानकारी। होल मोटिव वॉज दैट आयुर्वेदा हैज ग्रेट रिजल्ट्स फॉर सायटिका और वात इम्बैलेंस डिसऑर्डर्स। ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स क्वेश्चंस है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वी वुड लव टू हेल्प यू आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोडीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।